जय हिंद, जय जोहार संगवारी हो। मैं रूपलाल जंगेल एक बहुत ही प्यारा और छोटे से कहानी आप मन के बीच में लेके आया हूँ। एक गांव के बाहर झोपड़ी माँ एक महात्मा जी राहत रहीस और ओखर झोपड़ी के तीर माँ एक ठन और झोपड़ी रहीस, तीमा एक परिवार राहत रहीस। महात्मा जी हा दिन भर राम नाम की धूमी लगाए बैठे रहे, दिन भर राम राम जपत रहे, कभू ढोलक तो कभू मंजीरा बजा के कीर्तन करे। फिर ओखर तीर के झोपड़ी में राहत रहीस तेन परिवार के मुखिया ला ये सब कंझट लगे। वो सोचे कि ये सब फालतू हरे, ये सब करे से का मिलत हुई। एक दिन के बाद हरे महात्मा जी हा भजन कीर्तन में विधुन रहे। महात्मा के कीर्तन ला सुन के वो परिवार के मुखिया ला बड़ गुस्सा आते, बहुत परेशान हो जाते और दौड़त दौड़त मुखिया करा जाते और कहते, एक आध दिन भर राम नाम के रट लगाए हस, राम जी का तोला भोजन देते। महात्मा जी की थे, मोला तो भोजन राम जी ही देते। तब वो आदमी है कि थे, मोला तो नहीं दे भोजन, बर दिन भर काम बूता करेला पड़ते, ठीक से सोए खाए के बेरा घलोक नहीं मिले और आप दिन भर मंजीरा पिटत रही थो। तब महात्मा जी कही थे, भगवान राम के नाम में बहुत शक्ति है, प्रभु राम की कृपा से मुझ सब परेशानी दूर हो जाते। ऐसे कर तहूँ हाँ राम नाम जपे के चालू कर, तोरों ऊपर प्रभु राम की कृपा हुई, भगवान बहुत दयालु है। जय श्री राम। महात्मा के बात ला सुन के वो आदमी के गुस्सा और बाढ़ गए और गुस्सा में की थे, तो ठीक है महू आज दिन भर राम नाम के जप करूँ तो राम मोला भोजन कराते कि नहीं पता चल जाही। आज दिन भर मैं भोजन नहीं कराऊ, लेकिन मोला तोर प्रभु राम हाँ भोजन नहीं करा सकी, तो तोला ये सब ला बंद करेला पड़ी और ये जगह ला छोड़ के जाए ला पड़ी। महात्मा जी बोलते, मोला मोर राम ऊपर पूरा विश्वास है, वो तोर पर भोजन के व्यवस्था जरूर करही। महात्मा जी हाँ वो आदमी के शर्त ला स्वीकार कर लेते। तहन वो आदमी हाँ सोचते कि मैं करा राम नाम के जप करूँ तो कोनो ना कोनो मोला भोजन करा ही दी। तेकर सती वो जंगल चले जाते और पेड़ में चढ़ के राम नाम जपत रही थे। ये सब जतन ला वो सिर्फ शर्त जीते पर करत रही थे, लेकिन प्रभु श्री राम की लीला अपरंपार है। ठीक वही बेरामा व्यापारी मन के समूह जंगल के रास्ता ले जात रहीस, भूख प्यास लगीस ता एक ठन पेड़ के खाले में रुक गए और खाना बना के चालू करीस। खाना चूर के हो रहीस, थौका ओतने समय डाकू मन आवत रही थे। डाकू मन ला देख के व्यापारी मन हा खाना पानी ला छोड़ के वो जगह ले भाग जाते। गर्मा गर्म भोजन की खुशबू जंगल में आगे जैसे फैल गई। भोजन की खुशबू हा डाकू मन के नाक में पहुंचीस था। डाकू मन खोजत खोजत वही जगह में पहुंच गए। भोजन ला देखते तो डाकू मन के सरदार बोलती, इतना अच्छा ममहात भोजन ला कौन ये जगह छोड़े हुई, जरूर ये हम सबो जन ला एक साथ मारे के साजिश हरे, पक्का ये भोजन में जहर मिले हुई। डाकू मन ला शंका हो जाते। सरदार हा अपन आदमी मन ला बोलते, जाओ रे खोजो वो आदमी मन ला जौन हा हमन ला मारे के प्लान बनाए है। ओखर आदमी मन हा एती उती ला खोजते ता कुछ नहीं दिखे। उतने बेर सरदार ला छिकासी याद रही थी, तहन छीके पर मुँह ला ऊपर कोती करते तब पेड़ में चढ़े आदमी ला देख डारते। वो पूरा मन लगा के राम नाम जपत रही थे। फिर सरदार बोलते, अच्छा यही हरे वो कलाकार जो एक कलाकारी करे ही, उतार के ला बोला। वो आदमी ला पेड़ ले उतार के लाते। फिर सरदार बोलते, खाए भोजन ला ते जहर मिलाए हंसना है में। आदमी तो मन में प्रण ले रहे थे भोजन नहीं करो की के और महात्मा संग शर्त घलोक लगाए रहे थे, तेकर सती खाना ला खाए बर मना कर देते। डाकू हा पाछू डाल ले एक लौठी जोर से मारते और की थे, चल खा। वो आदमी की थे, मैं नहीं खाऊं चाहे कुछ भी हो जाए। सरदार की थे, जब तक थे भोजन नहीं करबे तो लौठी माँ पड़त रही, का करे बेचारा हा मार ले बचे बर खाना ला खावत रहे थे और मने मन में सोचते, प्रभु आपकी लीला सिरतोन माँ अपरंपार है, जय श्री राम। फिर वो आदमी हम दौड़ के महात्मा तीर गीस और कि थे, सिरतोन में राम नाम में शक्ति है, आज मैं प्रण ले रहे हूँ भोजन नहीं करो कही के। फिर डाकू मन मोला मार मार के भोजन करवा दीस, आप बोले रहो वो बात एकदम सही है, आज मैं शर्त हार गए हूँ, राम जी है आज मोला भोजन करा दीस, शायद ही सब्बू लीला प्रभु श्री राम जी ही रचे रहीस। ये छोटे से कहानी हमन सिखाते
कि आप जो भी काम करत हो वो काम ला पूरा विश्वास के साथ मन लगा के करो और अपन इष्ट भगवान पर मन में श्रद्धा रखो, भगवान आपके जरूर मदद करी। जय श्री राम। जय जोहार। जय छत्तीसगढ़।